हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैनासोनिक एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल में ये पावर बटन जो दिया होता है, पावरफुल बटन जो दिया होता है, इसका यूज हम कब करते हैं, इस बटन को दबाने से हमारे एसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी एसी कैसे काम करती है, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप इस बटन को दबाइएगा, पावरफुल बटन को, तो आपके एसी का जो फैन होता है ना, वो काफ़ी तेज चलना स्टार्ट कर देता है। और जब काफ़ी तेज चलेगा तो ऐसे कंडीशन में आपकी एसी भी बहुत जल्दी कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका यूज हमें कब करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर गए हैं और बाहर जाने के वक्त आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और जब आप वापस घर आते हैं तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस पावरफुल बटन को दबाकर आप अपने आप को बहुत जल्दी कूलिंग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप इस बटन को दबाइएगा तो आपका जो एसी होगा वो बहुत तेज़ चलना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही कम समय में कूलिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। तो देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कब करना चाहिए। मान के चलिए कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस पावरफुल बटन को दबाकर आप अपने आप को कूलिंग कर सकते हैं। पावरफुल बटन को जैसे आप दबाइएगा तो आपके एसी का जो पंखा होगा वो काफ़ी तेज़ चलना स्टार्ट कर देगा और ऐसे कंडीशन में आपकी जो एसी होगी वो बहुत कम समय में आपको कूलिंग देना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि आपका जो रूम होगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। या फिर दोस्तों, अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा लोग हैं, 5, 10, 15, 20 लोग हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप पावरफुल बटन का यूज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके घर में कोई रिलेटिव आया है, कोई मेहमान है या कोई दोस्त वगैरह आया है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस पावरफुल बटन का यूज कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है दोस्तों कि आखिर हम इस पावरफुल बटन का यूज क्या हम हमेशा करेंगे या कभी कभी करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इस बटन का यूज आप हमेशा मत कीजिएगा, इस बटन का यूज आप कभी कभी कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपका जो एसी होता है वो बहुत तेज़ चलना स्टार्ट होता है और कूलिंग कम समय में करना स्टार्ट कर देता है, तो आपके एसी पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है और दबाव होने के साथ साथ आपकी जो एसी होती है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, तो ऐसे में आपका बिजली बिल भी ज़्यादा आ सकता है। तो इसका यूज आप ऐसे कंडीशन में कीजिएगा जहाँ पर आपको कूलिंग की ज़रूरत कुछ देर के लिए हो, उसके बाद से आप नॉर्मल मूड पर अपने एसी को कर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस पावरफुल बटन का यूज कब किया जाता है और कितने देर के लिए किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए